आपने जो मुझे बताया आपका लगभग लगभग आप करीब करीब 80% आपने बिल्कुल सही किया है। ओके ब्यूटीफुल, सो नाइस, गॉड ब्लेस यू। सॉल्यूशन नंबर वन, सबसे पहले तो मैंने कहा था कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल में बिफोर गोइंग अपरिचिंग जो आपको पहले आया, मैंने इतने क्वेश्चन कराए, इतने क्वेश्चन कराए थे जितने शायद किसी ने नहीं कराए, लेकिन अब आपने करना है इसको, बिल्कुल आपने सही से सही परफॉर्म किया। मीन्स आपका देखो ये वन टर्म ये है और वन टर्म ये है अपना, और सबसे सबसे मजे की बात आपने चलो प्लस में तो प्लस कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है उसमें कोई, पहले मैं समझाया था कोई दिक्कत नहीं, वो तो जब आंसर नहीं आता तो भी आपका गड़बड़ होता तो देख लेते। चलो बाय, आपने मुझे One, ये two terms है, and both the terms are आपका नाम just under the square. इसका मतलब आपके तो first priority यो हाँ आपका नाम to remove the square. इन्होंने जैसा बिल्कुल सही कहा था, rationalizing the denominator. Denominator को rationalize करें तो आपका नहीं। Actually मैं अगर आप इसको देखेंगे, a plus b ऐसे है आपका नहीं। इसको alternate से a माइनस b और आपका देखो a माइनस b ऐसे, यानी कि a की जो वैल्यू है आपका x प्लस वन है और b की वैल्यू आपका देखो x है, ऐसे समझिए इसको, आप समझ रहे हैं सर? ऐसे तो देखो रेस्ट लाइन दे रहे हो आपका ये जीरो टू वन आपका रूट x प्लस वन माइनस रूट x, ये यानी कि जो इसका ऑल्टरनेट कंजुगेट होता है By multiplying and divide by the alternate conjugate of the denominator, उसको rationalizing the denominator short form में कहते हैं। रूट एक्स प्लस वन और प्लस रूट एक्स आन इस ऑल्टरनेट कंजुगेट है, यहाँ हमारी औकात में इसको रूट के बाहर जो साइन है सिर्फ इसको आप चेंज कर सकते, जैसा इन्होंने कहा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्पेशल थर्ड प्रोडक्ट इन्होंने यूज किया जो वैल्यू आपके पास सामने दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल इन्होंने सही जीरो टू वन रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स एंड दिस ये डी एक्स ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए ए का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही फाइव। जीरो टू वन अगर रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स दिस डी एक्स ओवर ये जो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, किसको कर सकते, किसको कैंसिल करेंगे सर, जो पर जो अंडर रूट एक्स प्लस सर ये पूरा रूट यहाँ तक है, अगर ये होता तब होता, ये इसके ऊपर वाले यहाँ हाँ। ये सर एक्स प्लस वन पूरा है सर, अगर खाली रूट एक्स होता तब ये आपका क्लियर है, ये देख रहे हैं ये यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब रूट एक्स प्लस वन को आप दो बार लिख दो यानी फिर कम आउट फ्रॉम द प्लेयर, या तो ये है या इसको आप कम लिख दो रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वन इसका रूट कन्वर्ट हो जाएगा वन बाई टू में, तब भी आपका देखो एक्स प्लस वन इसका मतलब एक्स प्लस वन ये और ये भी आपका हट कर दिया, जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा था, और आपका देखो जीरो टू वन रूट एक्स प्लस वन और माइनस एक्स आपका डी एक्स ओवर वन है तो वन की कोई औकात ही नहीं है। इसके बाद इन्होंने ये भी बिल्कुल सही कहा था कि रूट इसको आप एक्स प्लस वन का आपका देखो वन बाई टू लिख दीजिए और ये आपका देखो ना माइनस ये एक्स की पावर वन बाई टू, जी वन और जीरो की कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अभी आप, कुछ नहीं कर रहे याद रखिए मत, तो ना दिस एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन और माइनस एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन ओवर वन बाई टू प्लस वन, एन का मतलब पावर, एन इज इक्वल टू यहाँ पे आपका पावर है आपका एक्स प्लस वन की पावर टू बाई टू टू वन जो टू एन वन और थ्री बाई टू यही है थ्री बाई टू है ओवर ये आपका जो हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस x
एक्स की पावर अपॉन 3 वैल्यू पावर ये 3 वैल्यू. लेकिन इफ ए इज सेपरेट एंड बी बाय सी इज अकेलोन टुगेदर ए सी बाय बी होगा. तो यही आपको जो अब 2 बाय 3 एक्स प्लस 1 की पावर 3 बाय 2 और माइनस 2 बाय 3 एक्स की पावर अपॉन 3 बाय 2. आपका मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूट आपका कॉमन लेंगे 2 बाय 3 क्लियर होगा x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 और माइनस अब तस्वीर बाहर आ गया x की पावर 3 बाई 2. एंड नाउ यू प्लीज कम टू दिस वन. अब ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका है अब दिस इज द प्रिमिटिव आता है. अब यहां पे जो आपने एक्चुअल में अभी तक किया था a टू b f x d x इक्वल टू अब आप पहुंच गए यहां पर f x प्रिमिटिव में. यहां इस स्टेज में पहुंच गए. अब आपको ये करना है आगे तक एफ बी अपर लिमिट एक्स की जगह में माइनस लोअर लिमिट. ये 2 बाई 3 ऐसे ही रहा देखो आपको. अब एक बार देखो आपको बी और ये ए है. यहां पे b इज इक्वल टू अपर लिमिट है दैट इज 1 और a इज इक्वल टू अपर लोअर लिमिट है दैट इज 2. फार्मूला आपके सामने देखो पर अब आपका क्या हो जाएगा एक बार 1 प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 और इसी में माइनस आप कर देंगे अपन और एक बार आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 माइनस. इसमें आप माइनस बाहर खींच देना अंदर आपके पास देखो आपका नाम 1 की पावर ये देखो फिर ये आपका 1 की पावर आपका देखो 3 बाई 2 और माइनस फिर इसमें आपका देखो 0 की पावर 3 बाई 2. दिस इज 2 बाई 3 ये तो पूरी के लिए 1 प्लस 1 इज 2 2 की पावर आपका 3 बाई 2 और ये माइनस 1 की पावर आपका 3 बाई 2. 1 की पावर 3 बाई 2 का मतलब कितना हुआ जी तो 1 ही हुआ और ये भी आपका माइनस 1 और ये आपका 0 आपका हो गया ठीक है. 2 बाई 3 ये 2 बाई 3 की पावर 2 और माइनस आपका माइनस 1 माइनस 1 आपका क्या होगा क्लियर हो कोई शक है तो बताइए. अब क्या करो देखो इसको जरा ध्यान से देखिए ये देखिए 2 बाई 3 दिस 2 की पावर 3 बाई 2 कैन बी रिटर्न एक्स की पावर एम एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एम की पावर एन या और एक्स की पावर एन की पावर एन ये हमें अपनी सुटेबल चॉइस के. अब आपका देखो 2 की पावर 1 आपका देखो और इंटू अब मैंने इसको बना दिया आपका देखो 2 की पावर 1 बाई 2 आपका देखो एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन एक्स की पावर एम प्लस एन देखो 1 प्लस एक्स देखो 2 की पावर 1 प्लस 1 बाई 2 देखो 2 की पावर 3 बाई 2 आ गया क्लियर. तो देखो अब 2 अब देखो फिर वही मैथ में आपका देखो 2 कॉमन आपने ले लिया तो 2 बाई 3 इंटू 2 कॉमन अंदर आके 2 की पावर 1 बाई 2 और माइनस 1 बचा देखो 2 इसमें से भी कॉमन आ गया देखो तो 2 2 2 जा 4 4 बाई 3 एंड 2 की पावर 1 बाई 2 कैन बी रिटन एज आपका रूट 2 रूट 2 और माइनस 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. डू इट सर ये ऐसे करते हैं. अब मुझे तो इतने डेप्थ में लेकर के आपको जाना पड़ रहा है आपका नाम देखो तो मैं कोर्स इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकता था देखो आपका. अब जैसे यही देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स है देखो इसको भी आप रेशनलाइज 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स आपका देखो ये आपको एक जनरल जैसे आपने कहा कि ये कैसे पहचाने तो पहचानने के लिए आपका देखो देखो इसीलिए नाइन्थ में सर्ड जिसने की होगी कोरोना में तो सब बिल्कुल खत्म हो गया ना कोरोना में क्या तभी मैं कह रहा ऑनलाइन पढ़ाने का तो कोई मेथड ही नहीं था 9th 10th 11th 12th के बच्चों को. अब तो बच्चों को पता लग रहा कि ऑनलाइन कितनी बेकार चीज थी इसमें. और ये सवाल रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से भी कर सकते थे और या इसको आप कर डी एक्स ओवर
ये वन वन की जगह मैं आपका देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड दिस साइन एक्स कैन बी रिटन एज टू साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से भी आप इसको कर सकते हैं ये बार आके नहीं हो पहले तो अभी आप करिए आपको इतने सवाल दे ये सवाल ये ज्यादा से ज्यादा करो टू मार्क्स का क्वेश्चन अब आप देखो इसको ये आपका वन मार्क्स में भी आ सकता है इट कैन कम इन वन मार्क्स और इट कैन कम सबका इन टू मार्क्स टू मार्क में भी आ सकता है आपका देखिए अब जी सर सेकंड लास्ट लाइन ये इसके बाद टू कॉमन ये टू की पावर वन बाई टू ये जीरो टू रूट टू है आपका जीरो टू रूट टू है आपका रूट के अंदर टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स घर जाकर के आज आप लोग पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल के सारे सवाल देखिए सारे सवाल सबसे ज्यादा मैंने ही कराया हुआ है आपका नाम होगा 10,000 सारे चैनल्स के साथ तभी मैं कह रहा हूं कंपेयर करो रोज जीरो टू रूट टू आपका नाम होगा 10,000 रूट ए टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर आप यहां पर देखो तभी ये वन मार्क्स का क्वेश्चन आपका देखो ना दस हजार रूट टू का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर और एक फॉर्मूला यूज तभी मैंने क्या कहा था ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे है आपका नाम देखो दस हजार शुरुआती तौर के जो है आपका नाम देखो दस हजार इसमें जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन आप आपका देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर जो होते हैं आपका देखो ना दस कैसे करोगी किसको कौन रूट को हाँ जी कर दिया आपने फिर ये मोहतरमा ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका नाम स्पेशल इंट्रीगल जो बिल्कुल अभी अभी थोड़े दिनों पहले आपने पढ़ा ये लास्ट में जब इंडेफिनिट इंट्रीगल आपने फिनिश किया था उस दौरान आपने देखो ये फॉर्मूले आपके पढ़े थे आपने देखो जैसे जरा खोलिएगा तो अपना क्या था इसका फॉर्मूला क्या था नो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है सॉरी एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू और तब आता था आपका ए स्क्वायर बाय टू और साइन इनवर्स तब आकर के आपका देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्पेशल इंटीग्रल कैटेगरी है ये तो अब आप करो इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर एक्स रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आपका देखो टू और प्लस ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो गया रूट टू का स्क्वायर बाय टू आपका देखो यही है चेक कर लीजिए अब इनटू साइन इनवर्स आपका देखो एक्स बाय रूट और अब ये पूरा आपका ना देखो जैसे एफ एक्स पूरा सॉल्व हो गया क्या और जीरो बाय रूट टू फॉर्मूला आपके सामने है देखो अब आपका क्या हुआ एक्स बाय टू ये तो और ये आपका ये रूट ये टू माइनस आपका देखो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इससे ये भी कैंसिल हो गया और प्लस रूट टू का स्क्वायर कंप्लीट टू टू से टू कैंसिल साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट टू और जीरो टू रूट टू अब यहां पे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का प्रिमिटिव अपना एफ एक्स ई अपन इस पोजिशन पे नाउ यू रीच और इक्वल टू नाउ यू हैव टू राइट एफ बी माइनस एफ अब ये वाले स्पेस पे आपने आना एक्स का मतलब रूट टू ओवर टू इंटू टू माइनस रूट टू का स्क्वायर चेक कर लीजिएगा आपका ना देखो दस और फिर माइनस जीरो बाई टू इंटू टू माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस फिर आपका साइन इनवर्स एक्स एक्स का होता है रूट टू अपॉन रूट टू
और माइनस साइन इनवर्स जीरो अपॉन ये था, चेक कर लीजिए। एक बार पहले मैंने यहां कर दिया, आपको यहां पे दिक्कत आ रही, तो फिर एक बार दिखा देता हूं। ये आपने क्या प्लस साइन इनवर्स एक्स का होता रूट टू अपन रूट टू, एक बार प्लस की वैल्यू आपने रख दी और माइनस अब आप करेंगे जीरो बाय टू इंटू टू माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक मतलब जीरो बाय रूट। जी अब बताइए सर, ये पूरा एफ भी आपका ना, एक बार एक्स एक्स जाऊंगा वहां रूट टू रखोगे तो आपका ना ये आपका रूट टू कंप्लीट जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, देख लीजिए ये पूरा जीरो हो गया जीरो, ये देखो आपका दिस साइन इनवर्स रूट टू से रूट टू वन आ गया और ये पूरा आपका देखो जीरो ये आपका, और प्लस ये भी आपका साइन इनवर्स ये जीरो आपका देखो ये भी जीरो आ गया। देखिए आप साइन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है पाई बाई टू, तो ये सारे बाकी जीरो खत्म हो गए तब का तो पाई बाई टू। साइन 91 हो गया, तो जब साइन 90 आपका वन हो गया आपका देखो, तो साइन 90 को क्या लिखते हैं पाई बाई टू आपका देखो इक्वल टू वन, तो पाई बाय टू ये ऊपर चले जाएगा साइन की पावर माइनस वन आकर साइन इनवर्स आकर साइन इनवर्स वन की जो वैल्यू पाई बाय टू आएगी। बच्चे की बत्ती थोड़ा बंद होती है, मास्टर की बत्ती बंद होती है, स्कूल मास्टर की भी बत्ती बंद होती है, ट्यूशन कोचिंग सेंटर वाले उनकी बत्ती बंद होती है। तो बाप आप लगाओ हमारी बत्ती बंद, तो आप लगा लो कितना आप देखो कितना कितना कितना। और मेरा मैंने आपको क्या बोला, आप तो मेरे को इतना टाइम से देख ही रहे हैं आप लोग, मेरा यहाँ से जाने के बाद भी मेरी अभी सोशल रिफॉर्मिंग होती है, घर तो मैं बात को पहुंचता हूँ। अभी आज मेरे डॉगी एक स्ट्रीट डॉगी को मैं जो हॉस्पिटल दिखा करके लाया हूँ जिसमें मेरा कोई, अब जाके जब शाम को जब मैं आ रहा था तब उसने दूध किया, मैंने अंडा बना करके उसको जो मेरे को लगाया, अब रेस्टलाइज हो गया मैं। ये मेरे तो ऐसे काम भी रहते हैं तो, और यहाँ तुम लोगों के एग्जाम थोड़ा होते, हमारा एग्जाम होता है मास्टरों का एग्जाम है और ये कोचिंग मास्टर के एग्जाम होते हैं आपका, याद रखिएगा स्कूल टीचर के एग्जाम थोड़ा हो रहे हैं। दिस इज़ जीरो टू वन डी एक्स ओवर, इसको पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस को वन कर दीजिए। अब यहां पे एक चीज देखिए एक्स है, समथिंग इज मिसिंग, मैंने वही बोला था आपने बात को, तो आपने आपका क्या अब आप यहां देखो आपका मेकिंग आप परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप जरा दिमाग में ध्यान रखिएगा आपका नाम देखो दिस एक्स का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में आपका देखो टू इंटू एक्स होता है आपका इंटू वन देखो और ये प्लस आपका देखो इसका होता है वन बाई टू। ये देखिए ये देखिए यानी कि वन बाई टू को आपने ऐड करना है और 1 बाई टू का स्क्वायर आपने ऐड करना है और मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो मैंने बोला था ये तो आपका देखो। अब एनी हो ये देखो अब मैं बात को वहां जाऊंगा देखो, अब देखो x का स्क्वायर देखिए आपका ये आपका 1 बाई टू का आपका देखो ये स्क्वायर होगा, यानी कि आपके पास a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर बन गया, ये 2 इंटू a इंटू b ये खुद बन जाएगा 2 इंटू देखो a की वैल्यू पर देखो 1 है, इससे ये कैंसिल हो गया x आ गया आपका वही, यहाँ देखिए सर x आ गया आपका यहाँ देखिए आपका और ये आपका ए प्लस हो गया, अब वन पहले से आपके पास था एन माइनस वन बाई टू आपका ए वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर हो गया, अब इसको जिप कर लीजिएगा, जिप का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो एक्स सॉरी एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर
और प्लस फोर बन जाए, फोर में से बन गया आपका नंबर थ्री बाई फोर। आया अब आपका देखो इंटीग्रेशन जीरो टू वन डी एक्स ओवर, अब आपका देखो एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते ऐसे एक्स स्क्वायर पर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, नहीं सर जैसे पिछली बार नहीं नहीं नहीं। अरे देखो एक्स स्क्वायर ये है फॉर्मूले में आपका टू तो फॉर्मूले का आता है, ये देखो आपका नाम ये आपकी एक्स ये तो बात को देखो ना अभी पहले आप ए स्क्वायर देखो आपका टू फॉर्मूले में होता है, अभी आप बी स्क्वायर मत देखिए टू फॉर्मूले में होता है देखो आपका एक्स, लेकिन यहां था एक्स इसका मतलब इस टू को उड़ाने के लिए वन बाई टू चाहिए तो वन बाई टू चाहिए, इसका मतलब ए तो आपके पास एक्स था आपको ढूंढना था बी की वन बाई टू आपको मिल जाए वन बाई टू, तभी तो बी का जब स्क्वायर करेंगे तो वन बाई टू का स्क्वायर करेंगे आप, ये मिसिंग आपका इसीलिए मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, नाइन का मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर का वीडियो भी आप देखेंगे किसका ये। अरे यार जब a की वैल्यू x आ गई b की वैल्यू तो b स्क्वायर क्या करोगे, b स्क्वायर क्या होगा वन बाई टू का स्क्वायर होगा नहीं होगा, तो रिक्वायरमेंट आपकी क्या है b का स्क्वायर वन बाई फोर, तो वन बाई फोर को एड करोगे सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट वन बाई फोर, ये देखिए टू तो फॉर्मूले का होता है a की वैल्यू x यहां पर आपका x था इस x को x लाने के लिए इसका मतलब 1 by 2 चाहिए ना, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तभी तो 1 आएगा, हाँ तो ये प्लस नहीं देख रहे हैं अभी छोटा। अरे दीदी यहां देखो ना ये देखो तो जब b की वैल्यू 1 by 2 तो b स्क्वायर क्या आएगा 1 by 2 का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या 1 by 2 का स्क्वायर, तो उतना ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे सामने, तो ये है देखो डिटेल कहां है दो वन बाई टू, अरे यार ये ऐड किया ये सब्ट्रैक्ट किया नहीं किया, बी की वैल्यू क्या वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हुआ तभी तो एक्स आया, ये तो फॉर्मूले का टू है ना, ये तो फॉर्मूले का टू है तो इस फॉर्मूले का टू को काटने के लिए वन बाई टू चाहिए नहीं चाहिए तभी तो ये एक्स आएगा, प्लस वन तो ये है प्लस वन तो यही है, ऐड तो आपने ये किया और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट किया प्लस का मतलब ऐड किया, अब फॉर्मूला यूज, ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस जो ए स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला है, पहले तो फॉर्मूले लर्न कर लो चा, माइनस का यार प्लस है ऐसे प्लस सॉरी प्लस है वन अपॉन टेन इनवर्स है वन अपॉन टेन इनवर्स वन अपॉन ए हाँ वन अपॉन ए टेन इनवर्स जी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए ए बिल्कुल सही आपने बोला, तो देखो आपका हो गया तो ये जीरो टू वन एक मिनट आपका तो ये आपका वन अपॉन ए वन अपॉन ए का मतलब आपका तो रूट थ्री बाई टू, ये आपका बिल्कुल सही आपने बोला टेन इनवर्स एक्स का मतलब आपका एक्स प्लस वन अपॉन ए का मतलब रूट थ्री बाई टू, और अब पूरा हो करके आपका नाम देखो जैसे जीरो टू वन आ जाए तो ये उल्टा हो जाए a is alone, b by c is alone, तो आपका तो ac by आपका b हो जाएगा, तो 2 by root 3, अब आप इसको easily लिख सकते हैं, tan inverse x plus 1 upon ये आपका 2 upon root 3 और ये आपका हो जाएगा 0 to 1। अरे यार
एक्स प्लस वन बाई टू है यार, टू एक्स और टू एक्स, टू एक्स प्लस वन बाई टू है, और वाई ये आपका आएगा रूट थ्री बाई टू। अब आपका ए बाई बी बाई सी बाई डी इससे बढ़ो आपका ए डी बाई बी सी, ऊपर टू से टू कैंसिल, अब टू बाई रूट थ्री, नाउ टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री, टू एक्स प्लस वन, अब ये आपका आएगा जीरो टू वन। अब ये सॉल्व करके आया देखो, आ रही है कुछ जी, बस अब ये फॉर्मूला प्रिमिटिव आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप यहां पहुंच गए एफ एक्स, दिस पोर्शन यू हैव रीच, बस आपको ओनली यू हैव टू डू एफ बी माइनस एफ ए करना है, दिस टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स टू इंटू वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स टू इंटू जीरो प्लस वन अपॉन रूट थ्री, तो टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स और रूट थ्री होगा क्योंकि टू वन जो टू प्लस वन थ्री, तो थ्री बाई आपका रूट थ्री, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आया कोई शक है तो बताइए। और माइनस यहां यहां देखो यहां यहां क्या है, टू से जीरो वन बाई रूट थ्री बचा, माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, ये बच गया टू बाई थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री का मतलब क्या होता जानते हैं, रूट थ्री, रूट थ्री टेन सिक्सटी में आता है, सिक्स का मतलब क्या हो गया पाई बाई थ्री, और वन अपॉन रूट थ्री टेन थर्टी में आता है, थर्टी का होता है पाई बाई सिक्स, तो टू बाई थ्री एलसीएम ले लीजिएगा सिक्स, टू पाई माइनस वन पाई इससे ये थ्री, तो आपका पाई ओवर नाइन, चेक करना पाई ओवर नाइन, पाई ओवर नाइन, अरे ये तो रूट रूट थ्री है यार, इसकी ऐसी है थ्री रूट थ्री, बहुत कंसंट्रेशन, मैं तो अभी मेरे लिए सारी सब्जेक्ट आपका देखो सारी चीजें बड़ी इजी है, लेकिन आपसे पहले टेंथ की क्लास, उससे पहले नाइन्थ की क्लास, इलेवेंथ की क्लास आपका ना देखो पूरा, और कई बार मैं चैनल में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स भेजो, सारी चीजें करोगे तभी तो, आइकन दबाओ बारह। अब इसके बाद देखो आपका वन टू थ्री फोर, ये चार सवाल आपके होमवर्क में बिल्कुल दिल लगा के करिएगा, तभी पता लगेगा कि आपने मेहनत की है, डू इट प्लीज़।